गुजरात पुलिस में 70 करोड़ रुपए के करप्शन केस पर समाप्त। अदालत ने राय एजाज वगैरह के जुडिशियल रिमांड में 15 रोज की तौसीह कर दी। राय एजाज को हथकड़ी के बगैर अदालत में पेश किया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद सकलैन जावेद से। बताइए मोहम्मद सकलैन जावेद। जी नवीद, साहब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू गुजरात पुलिस में 70 करोड़ रुपए के करप्शन केस पर समाप्त हुई, जिसमें राय एजाज साबिक डीपीओ गुजरात शकील अहमद, सगीर अहमद और गुलाम सरवर को अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने इन तमाम मुलजमान के जुडिशियल रिमांड में 15 रोज की तौसीह कर दी है और 4 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। इस केस में आज पहली मरतबा डीपीओ राय एजाज को बगैर हथकड़ी के पेश किया गया, जबकि बाकी मुलजमान जो थे वो हथकड़ियों में पेश किए गए अदालत के रूबरू। इन मुलजमान पर इल्जाम है कि उन्होंने 12वीं मिली भगत से गुजरात पुलिस में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की करप्शन की थी। उन्होंने पेट्रोल डीजल पेंशन और 14 फंड में ये करप्शन की थी और जाली बिलिंग के जरिए ये रकम निकलवाते रहे, जबकि मोहम्मद सकलैन